तो नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग के लिए 86,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिंदे सरकार। जी हाँ, बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने साल 2023 और 24 का बजट पेश किया। बता दें कि इस साल में कुल 4,49,522 करोड़ की आय और 4,65,645 करोड़ रुपए के खर्च होने की उम्मीद है और इस बजट में 16,112 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान जताया जा रहा है। इस बजट पेश में बता दें आपको कि वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरडी एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने का भी ऐलान किया है। साथ ही आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी की गई है और 8वीं तक के विद्यार्थियों को सरकार स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाएगी। बता दें 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए 7,500 रुपए की स्कॉलरशिप देगी इस और नामांकित विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान का भी ऐलान किया है। साथ ही जल्द ही 75,000 नई सरकारी नौकरियों की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। जी हाँ, बता दें कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए मुंबई समेत MMR रीजन के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं और विरार अलीबाग कॉरिडोर के लिए 40,000 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, पुणे समेत MMR रीजन में मेट्रो का जाल फैलाने की योजना लाई गई है।